हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आज जो है पॉलीनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी में भी और आर एस अग्रवाल में भी। और ये वीडियो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ टेंथ के लिए है, ये वीडियो नाइन्थ और टेंथ दोनों के लिए है, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है आपका पॉलीनोमियल का, यानी कि पॉलीनोमियल से रिलेटेड जितना चीज़ें भी हैं, हर एक चीज़ बेसिक चीज़ों से लेकर हर एक टर्म्स के बारे में हम लोग पॉलीनोमियल्स के बारे में आज जानेंगे। और ये नाइन्थ और टेंथ दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नाइन्थ वाले आप भी देख लो, ये आपके लिए आपके भी चैप्टर में है, सेकेंड चैप्टर में, और टेंथ वाले आपके भी सेकेंड चैप्टर में है ये। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलीनोमियल। आयोटा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले पॉलीनोमियल्स का जो है ना, क्या है कि ये जान ले कि पॉलीनोमियल टर्म्स आया कहाँ से हैं, ये पहले जानते हैं। तो पॉलीनोमियल डियर स्टूडेंट, ये टर्म ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया। अच्छा, इस चैप्टर में जितने सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी आपको यहाँ आ जाएगा, तो इतने सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे, देखेंगे हर एक टर्म्स के बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आइए, तो अब देखो, पहले तो इस टर्म के बारे में जाने। मैंने जैसा कि बताया आपको कि ये जो पॉलीनोमियल है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, और जहाँ की पोली POLY, पोली मीन्स क्या होता है? पोली मीन्स होता है मेनी। ग्रीक टर्म है ये, ग्रीक लैंग्वेज है से लिया गया है ये वर्ड। और जहाँ की ये पोली, सिर्फ ये पोली मीन्स होता है, यहाँ तक जो है ये होता है मेनी। एंड नोमियल जो है हमारा, नोमियल्स मीन्स होता है डियर स्टूडेंट के टर्म्स। तो यहां नाम से ही हमें क्लियर हो, समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं कि पॉलीनोमियल मींस दैट मेनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स जो मिलकर के जो आपका वो एक्सप्रेस होगा उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीनोमियल। तो ये नाम से तो क्लियर हो गया। अब आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले पॉलीनोमियल का डेफिनेशन देख लें। तो स्टूडेंट्स, यही है हमारा डेफिनेशन के इट इज एन एक्सप्रेशन। पॉलीनोमियल क्या हमारा एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ, जो कि किस फॉर्म में होगा, ऑफ द फॉर्म ऑफ पी ऑफ एक्स, इट इज कॉल्ड पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स यानी कि ये पॉलीनोमियल के लिए ही यूज करते हैं हम लोग। तो पी ऑफ एक्स जो है हमारा वो किस फॉर्म में होगा, ए नॉट प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन। यहाँ भी हमारा एक्स है और एक्स टू द पावर जीरो है हमारा, यहाँ पर 1 था तो पावर 1, यहाँ 2 है तो पावर 2, इसी तरह से यहाँ पर 0 है तो यहाँ भी x टू द पावर 0 है, x है हमारा यहाँ पर बट उस पर पावर 0 है। तो a1 वन एक्स टू द पावर 1 प्लस a2 टू एक्स टू द पावर 2 एंड सो ऑन, ये इस तरह से चलता चला जाएगा कि a n x टू द पावर n, ये इसी फॉर्म में अगर रहा तो ऐसे फॉर्म्स को हम लोग जो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉलीनोमियल। तो ये हमारे पॉलीनोमियल है, वेयर जहाँ के क्या है कि n, देखो समझना होगा, ए एन जो है ना हमारा इज नॉट इक्वल टू जीरो, हमारा जो ये जो ए एन है यानी कि ए नॉट ए वन ए टू लिखा है ना, यानी कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो क्या होगा, अगर ये जीरो हो जाएगा तो फिर वो पॉलीनोमियल कहलाएगा नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा अगर ये है 5x, तो ये भी हमारा एक पॉलीनोमियल है, मगर अगर ये 5 ही, देखो ये था हमारा x, ये है हमारा x, x से बगल में जो है हमारा a1 है, इसको कोफिशियंट बोलते हैं, समझाऊंगा उसको, उस टर्म के बारे में बताएंगे आपको हम। तो ये जो है ना हमारा ये 5 जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम जीरो डाल देंगे, सोचो अगर ये जीरो अगर यहाँ होगा तो जीरो से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म को जीरो कर देगा और वो पॉलीनोमियल नहीं बनेगा हमारा। बस समझ में आ रही है ना, तो इसीलिए वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात बोल रहा है। तो ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये ए एन जो है हमारा जहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड पॉलीनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन। तो इसी को जो हम लोग पॉलीनोमियल बोलते हैं, और जहाँ के एक्स टू द पावर जो डिग्री होगा हमारा वो क्या होगा, 1, 2, 3, 4 इस तरह से वो जाते थे, एन तक जाएगा हमारा, मतलब कि लास्ट एन तक जा सकता है, कितना भी डिग्री हो सकता है हमारा। तो ऐसे टर्म्स को हम लोग बोलेंगे पॉलीनोमियल। क्लियर है क्वेश्चंस? यहाँ तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई, समझ में आ गया है। अब समझो इस बात को कि जहाँ पर ये जो है ए वन ए नॉट ए वन ए टू ये क्या है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि हेयर ए जीरो, ठीक है, ए वन ए टू ए थ्री एंड शो ऑन, यानी कि ए एन ये क्या है हमारा, क्या होगा ये कहलाएगा, ये होगा हमारा रियल नंबर, रियल नंबर्स, ये हमारा रियल नंबर्स होंगे। अब आप समझो इस बात को, रियल नंबर क्या होता है,
ये मैंने आपको पूरा रियल नंबर के बारे में, अगर आपने चैप्टर वन नहीं देखा है उसका इंट्रोडक्शन जो है हमारा नंबर ऑफ सिस्टम जो इंट्रोडक्शन है वहाँ जरूर जाएं और वहाँ जाके जो है आप प्रॉपर इंट्रोडक्शन जरूर देखें अगर आपको नहीं मालूम है तो, ठीक है ना। तो ये हमारा रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर मैंने बताया था कि एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, इट इज कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल नंबर होना चाहिए, बट रियल नंबर तो होगा मगर जीरो भी हमारा रियल नंबर है, बट जीरो नहीं लेना है ना, एक्सेप्ट जीरो है हमारा, बात समझ में आ रही है। तो ये रियल नंबर होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं कि एक्सेप्ट जीरो, जीरो के छोर को छोड़ के बाकी कोई भी जो रियल नंबर होगा वो हमारा ये होगा। क्लियर यहां तक? अब आगे देखते हैं, ये जो पावर है हमारा, देखो जो एक्स टू दी पावर जो पावर है हमारा 1, 2, 3, तो समझो इस बात को कि एंड डिग्री या पावर बोल दो, पावर या डिग्री एक ही है, डिग्री और पावर बात एक ही है, ठीक है ना। तो यहाँ जो डिग्री जो होगा हमारा वेरिएबल पे जो डिग्री है, वो जो डिग्री है हमारा वो क्या होगा, 0, 1, 2 ये इस तरह से कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। ये क्या कहलाएंगे हमारे, ये होंगे, ये क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब दैट जीरो से जो है हमारा स्टार्ट होगा, तो 0, 1, 2, 3, 4 यही होना चाहिए हमारा पार। अगर पार, अगर डिग्री या पार एक ही बात है, अगर ये आपका नेगेटिव आ गया, समझना बात को स्टूडेंट, अगर ये नेगेटिव हो गया तो फिर जो है आपका वैसे नंबर्स पॉलीनोमियल नहीं कहलाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल भी अभी बता दूंगा इसके बारे में। तो या तो आप नॉन नेगेटिव बोलो, या नहीं तो आप होल नंबर भी बोल सकते हो कि ये होल नंबर होना चाहिए, और होल नंबर या तो हमारा क्या होना चाहिए कि नॉन नेगेटिव आप बोलो, या नहीं तो होल नंबर। होल नंबर में मालूम है कि नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ना नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, इट इज कॉल्ड होल नंबर। नेचुरल नंबर हमें मालूम है कि जो वन से स्टार्ट होता है, काउंटिंग नंबर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सारे नंबर्स के बारे में मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो जाके जरूर देखना, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल डेफिनेशन के बारे में। तो मैंने आपको बताया अभी कि जो पावर जो होना चाहिए वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ना ही तो फ्रैक्शन में होना चाहिए। इंटीजर मतलब कि एक कंप्लीट नंबर, होल नंबर भी आपका एक कंप्लीट नंबर होता है, कंप्लीट नंबर, समझना बात को। फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में होगा तो वो पॉलीनोमियल नहीं कहलाएगा, ना ही तो फ्रैक्शन में होना चाहिए और ना ही नेगेटिव में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा ये है कि 5x^-2, तो अगर कोई उससे पूछेगा कि बताइए क्या ये पॉलीनोमियल है, तो क्लियरली बोलना है कि नहीं, ये जो हमारा ये पॉलीनोमियल नहीं हो सकता है। तो पार ना ही तो जो है आपको जो वेरिएबल पे पावर है, वेरिएबल पे याद रखना कि वेरिएबल पे पार जो है हमारा वो क्या होना चाहिए कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मीन्स दैट होल नंबर होना चाहिए, अगर होल नंबर रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो फिर ये नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक हमारा, चीजें समझ में आ रही है ना। तो अब समझो इस बात को डियर स्टूडेंट, अगर फ्रैक्शन में भी रहा और अगर ऐसा रहा कि 5x^2 अगर रहा 2/3 फ्रैक्शन में भी रहा, तो फ्रैक्शन में भी अगर पावर रहा तो ये आपका पॉलीनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि डेफिनेशन में हमारा क्लियरली है कि ये जो हमारा जो ये पावर होना चाहिए ना वो नॉन नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर बोला है। इंटीजर मीन्स दैट एक कंप्लीट नंबर को हम लोग बोलते हैं इंटीजर, बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए जो है ऐसे नंबर्स को हम लोग पॉलीनोमियल नहीं बोलेंगे। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि देखो मैं एग्जाम्पल में आपको लिख दिखा दे रहा हूं कि 5x^5x^2 ये भी हमारा पॉलीनोमियल है। तो ये एक ये वन टर्म का पॉलीनोमियल हो गया, बताएंगे टर्म्स के बेसिस पे बताएंगे क्या होता है। जैसे कि और आप लिख सकते हो कि जैसे कि 3x^2+3, तो ये भी आपका पॉलीनोमियल है, समझे ना, ये पॉलीनोमियल है। देखो तो यहां पर जो 3 है ये आपका रियल नंबर है, तो रियल नंबर है तो क्वेश्चन नहीं है हमारा, ये रियल नंबर होना चाहिए तो ये है। बट x पे पावर जो है हमारा ये पार है, पार हमारा एक होल नंबर होना चाहिए, कंप्लीट नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ये हमारा है तो हम लोग उसको पॉलीनोमियल बोलेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे और ये डेफिनेशन था हमारा पॉलीनोमियल का डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो है टाइप देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल। तो डियर स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल क्या है। तो टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल स्टूडेंट्स हमारा दो बेसिस पे है, एक तो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, दूसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में जानेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में कैसे कैसे जो पॉलीनोमियल है वो आते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में कौन कौन से आएंगे। तो पहला मैंने लिख दिया आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, देन सेकंड जो है हमारा वो है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में डियर स्टूडेंट जो पहला है हमारा, जो फर्स्ट है हमारा, समझना इस बात को कि उसको बोलते हैं लीनियर, सोचते हैं कि लीनियर
पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल। तो पहला है हमारा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म की बात नहीं कर रहे हैं अभी, मैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म को इरेज कर देता हूं, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में जो पहला है हमारा डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है हमारा कि लीनियर पॉलीनोमियल। अभी लीनियर पॉलीनोमियल क्या होता है, तो समझना बात को, कि एनी पॉलीनोमियल विच हैज मैक्सिमम डिग्री जो, और मैक्सिमम पार, जो मैक्सिमम पार होना चाहिए, मैक्सिमम डिग्री होना चाहिए वो वन होना चाहिए। अगर हमारा मैक्सिमम डिग्री वन है तो हमारा ऐसे पॉलीनोमियल को बोलेंगे क्या, कि वो हमारा लीनियर पॉलीनोमियल है। मींस दैट फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, देखो समझना आपको, मैक्सिमम डिग्री में बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम डिग्री यानी मैक्सिमम पार जो है हमारा वो कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 5x, ठीक है, और आप लिख सकते हो जैसे कि 3x+2। तो अब देखो ऐसे केसेस में जो आपका जो वेरिएबल है यानी कि x जो हमारा वेरिएबल है, इस पे जो मैक्सिमम पार जो है हमारा डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम पार क्या है हमारा कि वन है हमारा मैक्सिमम पार। तो मैक्सिमम पार आपका वन होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या कि आपका ये हो गया हमारा लीनियर पॉलीनोमियल। अब आप समझना बात को कि वेरिएबल्स, ये वेरिएबल क्या होता है, इस टर्म के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी सब कुछ को देखेंगे, हर एक चीज़ के, हर एक टर्म्स के बारे में हम लोग जो है यहाँ डिफाइन करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, लीनियर पॉलीनोमियल का आपका एग्जांपल। चलिए उसके बाद जो दूसरा है हमारा डियर स्टूडेंट्स, अब समझो उस बात को कि जो दूसरा है वो दूसरा क्या है हमारा कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल स्टूडेंट्स की अ पॉलीनोमियल विच हैज टू और मैक्सिमम डिग्री इज टू, मतलब मैक्सिमम डिग्री जो होना चाहिए उसमें हमारा वेरिएबल पर वो दो होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे क्या के लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, मतलब कि वेरिएबल पर डिग्री जो है वो दो होना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊं, तो एग्जाम्पल देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि आपका 2x² + 3x + 4, तो ये आपका एक क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, यानी कि जो वेरिएबल पर जो पार है हमारा वो कितना है, 2 है। तो वेरिएबल पर पार हमारा 2 होना चाहिए, ऐसे पॉलीनोमियल जिसकी जो डिग्री है वो 2 होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोलेंगे। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का एग्जांपल था, क्लियर यहां तक। और भी एक एग्जांपल देखोगे तो देख लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि 5x², तो ये भी आपका क्या है कि एक एग्जांपल है हमारा किसका, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, क्योंकि एक्स टू द पावर क्या है हमारा, स्क्वायर है। तो भले एक टर्म है मगर ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, क्लियर यहां तक। अब आइए बात करते हैं हम लोग क्या के क्वाड्रेटिक के बाद हम लोग बात करते हैं कि क्यूबिक पॉलीनोमियल, जो तीसरा हमारा है वो है क्यूबिक पॉलीनोमियल, यानी कि सी जो थर्ड है हमारा वो है क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो क्यूबिक पॉलीनोमियल डिस्टेंस अ पॉलीनोमियल विच हैज मैक्सिमम डिग्री, विच हैज डिग्री व्हाट, 3, जिसका जो है मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होने चाहिए। तो 3 डिग्री वाले जो पॉलीनोमियल हैं आपके वो कहलाएंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके बता दे रहा हूँ, एक जैसे कि 3x³ + 2x² है ना +5, तो ये आपका एग्जांपल हो गया। तो ये जो है आपके क्या है, ये हमारा ये क्यूबिक पॉलीनोमियल कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलीनोमियल। और भी देखो कोई एग्जांपल और भी ले लेते हैं हम, सपोज जैसे मैंने ले लिया क्या कि 2x³ + 5, तो ये भी हमारा हो गया एग्जांपल किसका, क्यूबिक पॉलीनोमियल का। तो ये कहलाएंगे आपके क्यूबिक पॉलीनोमियल, ये थर्ड था हमारा। फोर्थ जो है हमारा डियर स्टूडेंट्स वो है हमारा क्या कि बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, समझो इस बात को कि बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो ये हो गया हमारा बाय क्वाड्रेटिक। देखो अब हमको ये नाम से ही क्लियर समझ में आ रहा है, बाय मींस दो और क्वाड्रेटिक मींस हमारा था क्या, दो। तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल यानी कि जिसका जो मैक्सिमम पार होगा, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पार होगा वो कितने होंगे, डिग्री कितने होंगे, 4 डिग्री वाले। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल लिख के बता दे रहा हूं कि जैसे कि 3x⁴ + 6, ठीक है, तो ये आपका क्या है कि बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का एक डेफिनेशन हो गया आपका, बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है ना चीजें। तो ये था हमारा क्या, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल। अच्छा इसमें दो अलग टाइप के और भी हैं, ठीक है ना, जिसको आप इसमें कंसीडर कर सकते हो। जैसे कि मैं पांचवा आपको बता दूं, फिफ्थ नंबर, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, एक काम करता हूं मैं इसको इरेज कर देता हूं, यहां इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो
आगे मैं आपको बता रहा हूं इसको रेज करके कि आप एक और बोल सकते हो कि आप एक और बोल सकते हो क्या कि कांस्टेंट पॉलीनोमियल डियर स्टूडेंट, अब समझना बात को किसको बोलेंगे। इसका एग्जांपल जैसे कि इसमें देखो, समझना बात को कि जो वेरिएबल पे जो पार होगा ना वो जीरो होगा, जीरो होगा। मींस दैट फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि सिक्स, तो सिक्स आपका कांस्टेंट पॉलीनोमियल है। यहां पर भी एक्स है हमारा, बट एक्स टू द पावर क्या है हमारा, जीरो है। यहां पर अगर मैं एक्स लिखूं तो एक्स पे पावर जीरो है हमारा, तो एक्स पे पावर जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन। तो यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा सिक्स, ठीक है ना। तो ये आपका एक एग्जांपल है किसका, कांस्टेंट पॉलीनोमियल का। तो जितने भी आपका कांस्टेंट टर्म है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये सारे के सारे क्या है हमारे, कांस्टेंट पॉलीनोमियल है, ठीक है। और इसके बाद एक और आता है कि नंबर पांच में कि जीरो पॉलीनोमियल, जीरो जीरो पॉलीनोमियल, जीरो पॉलीनोमियल डियर स्टूडेंट्स। इसका एग्जांपल मैं बता दूं, बस एक ही एग्जांपल है इसका, क्या है, जीरो। यानी कि जो हमारा जो टर्म है, यानी कि जीरो, जो जीरो है जो कहलाएगा हमारा, उसको हम लोग जीरो पॉलीनोमियल बोलेंगे। यानी कि जीरो को हम लोग जो है जीरो पॉलीनोमियल बोलेंगे। तो इस तरह से आप टोटल बोल सकते हो कि टोटल छह टाइप के जो हैं आपके यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे, तो टोटल छह टाइप के जो पॉलीनोमियल है इन दोनों को आप कंसिडर कर सकते हो उसी के अंदर। तो ये टोटल छह टाइप के आपके जो पॉलीनोमियल आ गए। तो टोटल के पहला क्या था हमारा, लीनियर पॉलीनोमियल, दूसरा था आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तीसरा क्यूबिक पॉलीनोमियल, चौथा था हमारा क्या कि बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, फिर पांचवा हम लोगों ने देखा कि कांस्टेंट पॉलीनोमियल, और छठा हम लोगों ने देखा क्या कि जीरो पॉलीनोमियल। अब डियर स्टूडेंट थोड़ा सा समझना यहाँ पर कि जीरो पॉलीनोमियल और जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल दोनों में डिफरेंस है। तो जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल के बारे में बोल रहा हूँ, तो ये अभी जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल नहीं है, ये जीरो पॉलीनोमियल है। जीरो पॉलीनोमियल एक अलग चीजें हैं और जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल ही एक अलग बात है। तो इन दोनों को आप मिक्सअप मत करना। अभी मैं बताऊंगा कि जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल क्या होता है। तो पहले तो हमारा ये पहला टाइप, पहले बेसिस पे जो था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पर, जो हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पर जो हम लोगों ने ये पहला देख लिया कि इतने सारे टाइप्स थे हमारे। अब आते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पे, तो उसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि जो सेकंड टाइप है हमारा, वो क्या है हमारा कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स के बेसिस पर हमारा जो पॉलीनोमियल है वो कैसे, कितने सारे पॉलीनोमियल्स है, कैसे कैसे पॉलीनोमियल्स है, तो उस पर बात कर रहे हैं हम। तो उस पर जो है पहला जो है हमारा डियर स्टूडेंट्स, उसको हम लोग बोलेंगे कि जो फर्स्ट है हमारा वो कहलाता है आपका मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल मीन्स दैट स्टूडेंट, आपने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा होगा मोनोमियल, यानी कि अ पॉलीनोमियल विच हैज वन टर्म। तो एक टर्म वाले को हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। मीन्स दैट देखो, समझना आपको मैं एग्जांपल यहां लिख के दे रहा हूं। एग्जांपल मोनोमियल मीन्स दैट एक टर्म वाले कोई भी पॉलीनोमियल हो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। फॉर एग्जांपल देखो, तो जैसे कि 5x, तो ये इसमें एक ही टर्म है हमारा, तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। और एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल जैसे कि 6x², तो इसमें भी एक ही टर्म है, तो ये भी हमारा मोनोमियल हो गया। जैसे कि एग्जांपल और ले लो आप, फॉर एग्जांपल 7x, ये मैंने ले लिया, तो ये भी हमारा क्या है, मोनोमियल है। तो एक टर्म वाले को हम लोग बोलेंगे जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, ऐसे पॉलीनोमियल जिसको सिर्फ एक टर्म कंसिस्ट करे रखे उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। देन जो सेकंड है इसमें डियर स्टूडेंट हमारा, वो क्या है, बायनोमियल। तो बायनोमियल डियर स्टूडेंट्स क्या है, मैं इसका एग्जांपल आपको बता दूं कि अ पॉलीनोमियल विच कंसिस्ट एटलीस्ट टू टर्म, जिसमें कम से कम क्या हो, दो टर्म है, दो टर्म वाले को हम लोग बोलेंगे बायनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे कि 6x² + 3x, देखो उसमें दो टर्म है, तो ये दो टर्म वाले जो हमारे कहलाएंगे क्या, बायनोमियल। फॉर एग्जांपल मैं आपको और एक बता देता हूं कि जैसे कि 7x + 3, तो ये भी आपका क्या है, बायनोमियल ही है, तो ये भी हमारा बायनोमियल हो गया। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो ये दो बातें हो गई हमारी, तो एक तो हो गया मोनोमियल के बारे में, दूसरा हो गया हमारा बायनोमियल। तीसरे टर्म के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो थर्ड है हमारा वो क्या है, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, समझो उस बात को, कि ट्राइनोमियल यानी कि जिसमें तीन टर्म होंगे, ऐसे पॉलीनोमियल जिसके तीन टर्म होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। मींस दैट जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेकर बता दूं कि 2x² + 3x + 5, तो देखो तो इसमें टोटल तीन टर्म है, एक टर्म, दो टर्म,
ये थर्ड टर्म, बीच में प्लस का साइन है ना। तो तीन टर्म्स वाले जो हमारे जो पॉलीनोमियल होंगे इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। देन जो चौथा है, जो फोर्थ, फोर्थ आप जो लास्ट है, यह इसको बोल सकते हो क्या के मोनोमिनियल, सॉरी मेनी मोनियल, जो फोर्थ है हमारा मेनी मेनी मोनियल, मेनी मोनियल, मेनी मोनियल मीन्स दैट, समझना स्टूडेंट्स, कि जो तीन से जितने भी ज्यादा ज्यादा वाला टर्म होगा, तीन से अधिक जितना भी होगा, तो अ पॉलीनोमियल विच इज मोर देन थ्री टर्म्स इज कॉल्ड मेनी मोनियल। मेनी को ही तो हम लोग पोली बोलते हैं, स्टार्टिंग में ही देखा था कि मेनी ही मीन्स दैट पोली, तो यही तो हमारा पॉलीनोमियल हो गया। बात समझ में आ रही है ना। तो मेनी मोनियल मीन्स दैट आपके बहुत सारे वाले टर्म, यानी कि तीन से ज्यादा टर्म को जितने भी हैं उसको हम लोग बोलेंगे क्या कि मेनी मोनियल मीन्स दैट पॉलीनोमियल हमारा। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तो बात समझ में आ रही है, बातें क्लियर हो रही है ना। तो तीन से ज्यादा वाले टर्म आप कुछ भी ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कि 3x³ + 5x² + 3x + 4, तो ये जो है आपका क्या है कि एक मेनी मोनियल का एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि इसमें से कोई एक दो तीन चार चार टर्म्स में है हमारे, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे पॉलीनोमियल जिसमें क्या हो मोर देन थ्री टर्म्स हो, तो ऐसे पॉलीनोमियल्स को हम लोग जो है क्या बोलेंगे कि मेनी मोनियल या पॉलीनोमियल। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप के बारे में। तो दो टाइप हम लोगों ने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है ना, और एक देख लिया हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ टाइप। चलिए तो ये हो गया, सो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो ये दो टाइप्स के जो हम लोगों ने पॉलीनोमियल देख लिया है। अब हम लोग बात करते हैं क्या इसके जो कुछ और टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स, पहले उस बेसिक टर्म्स के बारे में जान लें, देन जो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या कि पॉलीनोमियल पे बेस्ड जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो क्वेश्चंस करवाएंगे हम, नाइन्थ वालों के लिए अलग और टेंथ वाले के लिए अलग। तो स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब जो हम लोग बात कर रहे हैं, दो टर्म और है जो बच गया है हमारा, बस ये दो टर्म्स को देख लेते हैं, उसके बाद जो बेसिक्स है हमारा पॉलीनोमियल का वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर जो हम लोग इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो करेंगे, एक्सरसाइज पर चलेंगे हम लोग। तो देखो इस पे सबसे पहला एक बचा है मैडम क्या, कॉफिशियंट, क्योंकि कॉफिशियंट क्या होता है हमारा। देन दूसरा जो है हमारा जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, तो अभी मैंने बताया था कि जीरो पॉलीनोमियल एक अलग टर्म है, एक अलग चीज़ें हैं, और जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल ये एक अलग चीज़ है। तो अभी मैं बताऊंगा दोनों के बारे में कि क्या है। तो अब समझो इस बात को डियर स्टूडेंट्स, कि पहले तो हम लोग देखते हैं कि कोफिशियंट, तो कोफिशियंट क्या है हमारा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा एक पॉलीनोमियल है पी ऑफ एक्स, एक हमारा पॉलीनोमियल है जैसे कि 3x² ओके देन प्लस 5x है ना देन 2, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं इसमें मैं बोलूं कि कोफिशियंट मीन्स दैट, अगर मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर जो है इसका कोफिशियंट क्या कहलाएगा, क्या होगा, तो ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होगा ये 3, तो ये 3 जो कहलाएगा हमारा ये क्या कहलाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कहलाएगा हमारा। बात समझो इस बात को। और दूसरा जैसे कि हमारा ये है कि एक्स, अगर मैं बोलूं कि एक्स का कोफिशियंट क्या कहलाएगा, तो एक्स का कोफिशियंट क्या है हमारा, ये 5 है, तो हम लोग बोलेंगे 5 जो है हमारा ये क्या है कि एक्स का कोफिशियंट है। बात समझ में आ रही डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से अगर मान लो कि कहीं ऐसे लिखा है कि 3x + 2, तो अगर ये ऐसा है कि सपोज मैं यहाँ पे एक टर्म और दे रहा हूँ कि 5x² - 3x + 2, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि इस x का कोफिशियंट क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो x का जो कोफिशियंट है वो मेरा -3 है। सिर्फ 3 मत बोल देना, इसके साइन के साथ लेंगे, तो x का जो कोफिशियंट है हमारा वो क्या है कि -3 है। तो यही था हमारा डिस्टेंस की कोफिशियंट। तो अब कोफिशियंट के बाद हम लोग पॉलीनोमियल क्या है, यानी कि ऐसा वैल्यू x का ऐसा वैल्यू जिसको उस पॉलीनोमियल पे अगर हम डाल दें, उसके जगह पर पुट कर दें, तो उस पॉलीनोमियल को सेटिस्फाई कर दें, यानी कि उसका वैल्यू जो है जीरो कर दें। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पॉलीनोमियल कहीं ऐसा लिखा है कि 3x + 2, तो अब समझो इस बात को कि अगर हम इस x की जगह पर ऐसा क्या डालें, x की जगह पर हम ऐसा क्या रखें कि जहां पर क्या हो कि मेरा ये पूरा वैल्यू, इसका जो वैल्यू है वो जीरो हो जाए हमारा, ठीक है ना, सर इसको सेटिस्फाई कर दें, यानी तो उसको हम लोग बोलेंगे उस x जो वैल्यू हमारा आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कि जीरोज, ये हमारा इस पॉलीनोमियल का जीरोज है। तो समझो इस बात को। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको एक सिंपल सा फॉर एग्जांपल पहले लेके बता रहा हूँ, जैसे कि एक और सिंपल ले लेते हैं, उसके बाद आपको ये वाला बताएंगे। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ क्या कि 2x है ना +4, तो इस x की जगह पर ऐसा क्या डालें जिससे कि पॉलीनोमियल हमारा जीरो हो जाए। तो अगर मैं इस x की जगह पर -2 डालता हूँ, देखो कि 2 है हमारा, 2 रहने दिया, x की जगह पर मैं -2 डाल रहा हूँ, -2
प्लस फोर, तो टू टू जा फोर, तो ये हो जाएगा माइनस फोर और ये हो गया प्लस फोर, और ये कट जाएगा तो जीरो आ जाएगा, तो जीरो आ गया यहाँ से हमारा। तो हम लोग बोलेंगे कि x की जगह पे क्या डाला था, माइनस टू, तो यानी कि x इज इक्वल टू जो माइनस टू है डियर स्टूडेंट, हम लोग बोलेंगे यही जो है हमारा ये क्या है, जीरो है, ये जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, यानी कि इस पॉलीनोमियल का ये हमारा जीरो जाएगा। ये पॉलीनोमियल पी एक्स है हमारा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें इतना दिया हुआ, तो हम बोलेंगे कि पी ऑफ एक्स जो है हमारा ये क्या है, ये x इज इक्वल टू जीरो जो माइनस टू आया है यही हमारा क्या है, जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है। यानी कि इस x की जगह पर हम अगर माइनस टू रखें तो इसका जो वैल्यू है वो जीरो ले आएगा। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं देखो इसको भी सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, जैसे कि ये वाला था हमारा कि 3x प्लस टू, यानी कि x की जगह पर ऐसा क्या रखें जिससे कि हमारा पॉलीनोमियल जो पॉलीनोमियल पी एक्स अगर हमारा पी ऑफ एक्स पॉलीनोमियल है तो ये जीरो हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो कि 3x प्लस टू इज इक्वल टू ले लेंगे जीरो, ठीक है, क्यों, अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये 2 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा माइनस टू, और ये 3 जब इधर जाएगा तो बाय में आएगा बाय, तो ठीक है x का जो वैल्यू आया हमारा क्या आया कि माइनस टू बाय थ्री। तो अगर माइनस टू बाय थ्री मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो इस पॉलीनोमियल को जीरो कर देगा। बात समझ में आ रही है, देखो ना, अब यहाँ पर x की जगह पर माइनस टू बाय थ्री रखता हूँ तो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस टू प्लस टू जीरो हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि जो x है हमारा ये जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है। बात समझ में आ गई ना डियर स्टूडेंट्स। और एक बात और कि अगर पार हमारा डिग्री जितना डिग्री होगा जीरोज उतने आएंगे, उतना सारा जीरोज आएगा, ठीक है ना, आपने देखा होगा जब आपने मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से जो अपने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को सॉल्व करा होगा तो वहां पर एक्स के दो दो वैल्यू आते होंगे, तो वो एक्स का जो वैल्यू आया है हमारा इट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। जैसे कि अभी यहाँ पर हमारा एक्स का जो वैल्यू आया है इट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। अभी जब क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होने लगेगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक्स था हमारा पॉलीनोमियल का, ये क्लास 9 एंड 10th दोनों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्लास 9th का मैं अलग वीडियो दूंगा जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1 जो है 2 का जो है क्वेश्चंस वगैरह करवाएंगे, और क्लास 10 का एक अलग वीडियो होगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ की मैं आपका एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस वगैरह है वो सॉल्व करवाएंगे, उस पर काम करेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे इस पर बेस्ड हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।